Hello everyone and welcome to this first video tutorial on arithmetic progression. My name is Neha Agarwal and I am a faculty at the Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. So, today we will see the introduction on arithmetic progression. So, after watching this video, students will be able to define what is arithmetic progression and understand the basic terminology of arithmetic progression. So, let us start our today's class of arithmetic progression. Arithmetic progression. अभी हम देखेंगे कि arithmetic progression किसे कहते हैं. तो सबसे पहले हमें समझना है प्रोग्रेशन क्या है. ठीक है, तो प्रोग्रेशन मींस कोई चीज जब एक पर्टिकुलर वे में रिपीट होती है. ठीक है, क्या हो रही है, एक ही पर्टिकुलर वे में वह बार बार आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन. ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि हम अभी कोई एक नंबर्स लेते हैं. ठीक है, अगर हमने लिया 1, 2, 3, 4, ठीक है, यह नंबर्स ऐसे बढ़ रहे हैं. ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि अरे 1, 2, 3, 4 लिख दिया कि नहीं, कैसा हो रहा है, देखो एक पर्टिकुलर वे में क्या हो रहे हैं, यह बढ़ रहे हैं. तो हम इसे मतलब प्रोग्रेशन क्यों कहेंगे, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वे में बढ़ रहे हैं. 1 और 2, तो 1 में क्या ऐड करने पर 2 आया, 1 आया. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है. वे सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है. वैसे ही थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, फिर से 1 है. फिर वापस से फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, फिर से 1 है. तो इनके बीच में कैसा डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है. ठीक है, सेम डिफरेंस है. तो देखो एक ही पर्टिकुलर वे में बढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं. ठीक है, मगर जब भी कोई दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है प्रोग्रेशन कहलाएगा. मगर अब इन सब टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसा है, सेम है. जब डिफरेंस सेम रहता है कोई भी दो टर्म्स के बीच का, ठीक है, हमने जो एक पैटर्न लिखा है, सीरीज लिखी है, उनमें ये दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, ये दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, और ये दो टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस सेम है. जब उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है तब उन्हें हम कहते हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन. क्या कहते हैं इसे हम, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम. कॉन्सिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक लगातार आने वाले जो टर्म्स रहते हैं वह कैसे रहते हैं, अगर उनका बीच का डिफरेंस, उनके बीच में जो रिलेशन है वह अगर सेम है, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन. और ये जो डिफरेंस रहता है, द डिफरेंस, इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है तो वह डिफरेंस कैसा डिफरेंस कहलाता है, कॉमन डिफरेंस. कैसे डिफरेंस कहलाता है, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, सपोज हम एक और सीरीज लेते हैं, 5, 10, 15, 20. अब ये जो सीक्वेंस है यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसे देखना पड़ेगा. तो देखिए इनके बीच का भी डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का. सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस 5 का. इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 5 का. सेम डिफरेंस है सबके बीच में, तो यह भी कैसा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. कैसी सीरीज है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, आया समझ में आप लोगों को. तो ये जो 5 रहता है यह कैसे निकालना पड़ता है, आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करके, ना कि पहले वाले में से आप आगे वाले को माइनस करेंगे. हमेशा क्या करूंगी,
आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करूंगी, ठीक है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रिसीडिंग टर्म को माइनस करूंगी। यहाँ पर भी वैसे ही 15 में से 10 को माइनस करूंगे तो 5, 20 में से 15 को माइनस करूंगे तो 5, ठीक है। अगर एक और टर्म लिया हमने, एक और टर्म लेके देखते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं 1, 4, 7, 10, है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? चेक करना पड़ेगा। क्या समझाया अभी मैंने आप लोग को कि क्या करना पड़ता, आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करके देखते हैं। तो 4 में से 1 को माइनस किया तो क्या आएगा, 3। 7 में से 4 को माइनस किया तो क्या आएगा, 3। 10 माइनस 7 फिर से आ जाएगा 3। तो फिर से सबके बीच का डिफरेंस कैसा है, सेम है, ठीक है। जब उनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा तभी हम उन्हें क्या कह सकते हैं, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोग को समझ में आया कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इस टाइप की जो सीरीज रहती है उन्हें हम कहते हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म रहता है उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ये जो फर्स्ट टर्म है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। और इनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम, जनरल फॉर्म रहेगा हर इसका, ठीक है। वैसे इसका भी जनरल फॉर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमेशा ए जो रहेगा उसे हम फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं। तो ए में क्या ऐड करने पर 4 आएगा, 1 प्लस 3, यानी कि सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस डी। अब थर्ड टर्म में क्या ऐड करेंगे, ए प्लस 1। 1 में क्या ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 6। बट यहाँ पे 6 कैसे ऐड करेंगे, हमारा डिफरेंस क्या है, 3 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, यानी कि ए प्लस 2 डी। यहाँ पर कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है, 1 डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2 डी, फिर क्या आएगा, ए प्लस 3 डी, फिर ए प्लस 4 डी। इस तरह से क्या आएगा, ये सीरीज चलते रहेंगे। तो यह हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं डी को, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस है लेकिन कैसा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो डी ये समझ गया आप लोग को। अब हमेशा याद रखना क्या, कैसे फाइंड करते हैं डी, आगे वाली वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करके। तो हमारा क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। अगर इसे हमने a 1 ले लिया, इसे a 2 ले लिया, इसे a 3 ले लिया और इसे a 4 ले लिया, तो कैसे निकालना पड़ेगा हमें, a 2 में से a 1 को माइनस करके, ठीक है। हाँ, या फिर और कैसे कर सकते हैं, फिर a 3 में से a 2 को माइनस करके, मतलब पहले आगे वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करते जाओ तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलते जाएंगे। और चेक करना है कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम रहेगा तो आप उसे कहना अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, नहीं तो वो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सपोज हम ने अगर ए की वैल्यू को, एक ए की वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है। सपोज ए इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। सपोज हम ए इक्वल टू 2 मान लेते हैं, ठीक है। एंड डी इक्वल टू, डी की एक वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, कॉमन डिफरेंस 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारी यहां पर सीरीज क्या हो जाएंगी, अभी हमें जनरल फॉर्म लिखा, कैसा रहता है जनरल फॉर्म, ए पहले हमेशा फर्स्ट टर्म, तो 2, उसके बाद ए प्लस डी, यानी कि 2 प्लस
थ्री क्या हो जाएगा, फाइव। उसके बाद ए प्लस टू इंटू डी, तो ए यानी कि टू प्लस टू इंटू डी, टू से थ्री को मल्टीप्लाई किया तो सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, या फिर सिंपली टू में थ्री ऐड किए तो फाइव, फाइव में थ्री ऐड करें तो एट, यानी जो नंबर आते रहेंगे उसमें क्या करते रहना है, डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। डी में थ्री को ऐड करेंगे तो फोर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक सीरीज आ गई, जिसे हम कैसे सीरीज कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, एक और वैल्यू लेके देख सकते हैं। अगर सपोज अभी हमने ए की वैल्यू सिक्स कंसिडर करते हैं, ए इक्वल टू सिक्स ले लेते हैं, एंड डी की भी एक वैल्यू ले लेते हैं, डी इक्वल टू फिर से हम थ्री ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारा जनरल फॉर्म, पहले हमेशा फर्स्ट टर्म यानी कि सिक्स, फिर क्या है जनरल फॉर्म में, ए प्लस डी, तो सिक्स प्लस थ्री नाइन, फिर ए प्लस टू डी, तो टू इंटू डी, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व। नहीं तो क्या कहना है, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो नाइन, नाइन में कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू ऐड किया तो ट्वेल्व, ट्वेल्व में डी की वैल्यू ऐड करेंगे तो फिर फिफ्टीन, फिफ्टीन में ऐड करेंगे तो फिर फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन। इस तरह से ये सीरीज आती जाएंगी। आया समझ में? तो हम अगर ऐसी ए और डी की हमें वैल्यू पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बना सकते हैं। ठीक है, तो अब सपोज एक और लेके देखते हैं। अगर अब हमने ए की वैल्यू वन लिया एंड डी की वैल्यू हम लेते हैं टू, ठीक है, ए की वैल्यू हमने वन लिए और डी की वैल्यू लिए हमने टू, तो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस क्या होगा, फिर से क्या कैसे करते हैं, हम फर्स्ट टर्म ए, ए में कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करेंगे तो थ्री, थ्री में फिर से डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फाइव, ठीक है, फाइव में फिर से डी को ऐड करेंगे तो सेवन। इस तरह से ये कैसे आते हैं सीक्वेंस, आते जाएगा। अगर हमें इसका टेंथ टर्म फाइंड करना होगा, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये क्या हुआ फोर्थ, फोर्थ टर्म तक फाइंड किया, अगर हमें इसका टेंथ टर्म फाइंड करना होगा तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा वन है, ठीक है, सेकेंड टर्म थ्री है, थर्ड टर्म फाइव है, फोर्थ टर्म सेवन है, तो क्या करना है, टू टू के डिफरेंस से ऐड करते जाना है, तो हमें क्या मिलेगा, टेंथ टर्म मिलेगा। देखते हैं, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, फोर्थ टर्म हुआ, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस टू इलेवन, फाइव सिक्स टर्म हुआ, इलेवन प्लस टू थर्टीन, थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस टू सेवेंटीन, सेवेंटीन प्लस टू नाइनटीन, ठीक है, नाइनटीन प्लस टू ट्वेंटी वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट नाइन टेंथ। तो ये है हमारा टेंथ टर्म। अभी यहाँ पे सिंपल नंबर था इसलिए हमने इज कर लिया, और टेंथ ही टर्म था। अगर इसका 50 टर्म, 25th टर्म, 100th टर्म ऐसा कोई टर्म फाइंड करना होगा तो क्या हम ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे हम कर सकते हैं लेकिन ऐसे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, ये काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने टेंथ टर्म फाइंड किया तो उसे हम ले लेंगे एनथ टर्म। ठीक है, मतलब कहां तक भी, एनथ मीन्स जो भी आपको टर्म फाइंड करना है, यहाँ पे देखो डैश 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 यानी कि इन्फिनिटी, तो चलते जाएंगी टर्म, जब तक आप फाइंड करते रहेंगे तब तक के वह टर्म मिलते जाएंगी। एनथ टर्म यानी कि एक पर्टिकुलर टर्म हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या है, एक उसका फॉर्मूला है। तो देखिए वो फॉर्मूला कैसा है, एन, कैसे लिखते हैं, ऐसे सफिक्स में एन लिखते हैं, इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए मीन्स पता है आप लोग को फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, और एन मीन्स अभी बताया मैंने आप लोग को जो टर्म फाइंड आउट करना है वह टर्म। जैसे कि अभी हमने 10th टर्म फाइंड की, तो देखते हैं ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 19 आती है या नहीं। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हमारे पास 10 है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारा 1, एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 2, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19, तो आया हमारा फिर से 10th टर्म 19। इसी तरह से इस फॉर्मूले में हम हमें जो टर्म फाइंड करना होगा वह हमारा एन की वैल्यू रहेगी, वह वैल्यू हम पुट करके हमें हमेशा इसके लिए क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन सा टर्म फाइंड करना है यहाँ, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके 100 टर्म, 25th टर्म, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कितने इजीली हम मतलब ये फॉर्मूले से कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले चार टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिखना है जब हमारा फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, इनके लिए हमें पहली चार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म लिखना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमने अभी जो जनरल फॉर्मूला देखा उसके अकॉर्डिंगली हम इसे लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन, तो कैसा फर्स्ट के लिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या है, हमारा कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते पहले ए लिखते हैं। ठीक है, तो ए यानी कि 10, उसके बाद हमारा क्या होता है ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 20। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को समझाया, फिर क्या रहता है थर्ड टर्म ए प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 20, और उसमें प्लस 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। अगर समझने के लिए, याद रखने के लिए एक बार यहां पे लिख के रख लीजिए फॉर्मूला, ए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश डैश डैश, या फिर सिंपली फर्स्ट टर्म हमेशा ए से डिनोट कर रहे तो फर्स्ट टर्म लिख लो, सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में d की वैल्यू ऐड करें तो 20। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है, जब सेकेंड टर्म मिल जाएगा तो उसमें भी डी की वैल्यू ऐड करते जाओ, 20 प्लस 10 30, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ए की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, तो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 10 30। ठीक है, 30 में फिर से डी को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो हमने फर्स्ट फोर टर्म फाइंड कर लिए, आया समझ में। अब सेकेंड वाला करते हैं, फिर से पहले क्या लिखना पड़ता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, ए की वैल्यू क्या है माइनस 2, फिर सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी माइनस 2 प्लस डी फिर से माइनस 2। ठीक है, फिर से ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, या फिर क्या बताया मैंने, जो सेकेंड टर्म आ जाएगा उसमें भी डिफरेंस को ऐड करते जाओ, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर ये भी कितने टर्म आ गए हमारे, फर्स्ट फोर टर्म आ गए। तो देखा आपने, हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एपी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज
राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. अभी हमारे पास एपी दिया हुआ है, जिसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने एपी फाइंड किया था, इट मींस कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. अभी यहाँ पे वह दी हुई है और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन फिर से हम फर्स्ट टर्म यानी कि ए से डिनोट करते हैं हम. ठीक है, तो फर्स्ट वाले का कंसीडर करते हैं, तो उसका फर्स्ट का 3 1 -1 -3. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी क्या करना है समझने के लिए, क्या लिख सकते हैं जैसे a1 a2 a3 a4. ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना. कैसे फाइंड करना बताया मैंने, आगे वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करके. तो a2 - a1, a2 की वैल्यू क्या है 1, माइनस a1 की वैल्यू 3, इक्वल टू -2. करेक्ट है. उसके बाद फिर से देखिए, अगर हम a3 - a2 करेंगे तो क्या मिलेगा, a3 की वैल्यू -1, माइनस का साइन, a2 की वैल्यू 1, -1 -1 -2. ठीक है, वैसे ही अगर हम a4 - a3 करेंगे तो -3, a4 की वैल्यू -3, -a3 की वैल्यू है -1. तो ये माइनस माइनस गेट, प्लस -3 + 2 -2. तो देखिए ध्यान से, कॉमन डिफरेंस है तो देखो सब में डी की वैल्यू कैसे आएंगी, सबके बीच का डिफरेंस कैसा रहेगा सेम. अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं रहा तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, और जब सेम रहेगा तभी क्या रहेगा, वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो इस तरह से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, एक और लेते हैं, फोर्थ वाला लेते हैं, सेकेंड और थर्ड आप लोग ट्राई करिएगा. ठीक है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. फर्स्ट टर्म क्या रहता है, ए क्या है यहां पर 0.6. अब डिफरेंस डी फाइंड करना है, आगे वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को, यानी कि 1.7 - 0.6 क्या आ जाएगा, 7 - 6 1 1 - 0 1, इट मींस कि 1.1. ठीक है, अगर आपको समझने के लिए फिर से यहां पे लिखना है तो इसे लिख के रखिए, a1 a2 a3 a4. तो हमने क्या किया, a2 - a1. ठीक है, इसी तरह से सेकेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, क्या कर सकते हैं, a3 - a2. तो a3 की वैल्यू है 2.8 - 1.7 इक्वल टू 1.1. फिर से सेम आई, 3.9 - 2.8 करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 1.1. इट मींस कि फिर से हमारा डी कैसा रहे, कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे कहा ही गया है क्वेश्चन में कि कैसी सीरीज है, फॉर द फॉलोइंग एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी हुई है, तो हमेशा डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम. अगर नहीं आ रहा है तो आपने सब्ट्रैक्शन करते समय या फिर वैल्यू लेते समय यहाँ पर क्या कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है. इसीलिए क्या करना चाहिए, कम से कम है ना 2 या 3 टाइम क्या करके देखना चाहिए, उनका डिफरेंस निकाल के देखना चाहिए कि सेम आ रहा है या नहीं. ठीक है, आया आप लोग को समझ में, ओके. तो अब आप लोग सेकेंड और थर्ड ट्राई करिए. द फॉलोइंग आर एपीज, क्या कहा है बताओ कि कौन से एपीज है. इफ दे आर फॉर्म एन एपीज, अगर यह एपी फॉर्म करते हैं, मतलब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी. कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और उसके बाद में राइट 3 मोर टर्म, उसके आगे के 3 टर्म और लिखो. ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में. जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होंगी. ठीक है, कोई हो सकती है, कोई नहीं भी हो सकती है. तो समझ
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वन लेते हैं। तो यहां पर फिर से देखो, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, टू है। ठीक है, इसे हम ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डी डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू क्या है फोर, माइनस ए वन की वैल्यू टू, इक्वल टू टू। वेरी गुड। उसके बाद ए थ्री माइनस ए टू, फर्स्ट टू का क्या, फिर बाद में ये दोनों का, तो थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे। एट माइनस फोर क्या आया, भूल से भी टू नहीं लिख देना कि यहां पहले वाला टू आया तो हम यहां पर भी टू 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 लिखते जाएंगे, करके देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उन्होंने वैसा कहा है। क्या कहा है कि कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, जरूरी नहीं है कि सब हो। तो एट माइनस फोर फोर, सेम डिफरेंस आया क्या, नहीं। ठीक है, और चेक करना है तो एक बार और करके देख लीजिए, ए फोर माइनस ए थ्री, सिक्सटीन माइनस एट इक्वल टू एट, डिफरेंस सेम दिख रहा है क्या, नहीं। तो यह हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है क्या, नहीं। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है हर बार। ठीक है, तो सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड वन, टू कॉमा फाइव बाई टू कॉमा थ्री कॉमा सेवन बाई टू। ठीक है, फिर से एक सीरीज दी हुई है, हमें बताना है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं। अभी हमने देखा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं थी। जब वह नहीं थी तो हमने उसके आगे के थ्री टर्म फाइंड आउट नहीं करे। ठीक है, क्योंकि जब सीरीज है ही नहीं तो आगे के थ्री टर्म कैसे फाइंड होंगे क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वह भी पूछा गया है कि मतलब राइट नेक्स्ट थ्री टर्म। ठीक है, तो सीरीज ना होने की वजह से हमने वह फाइंड आउट नहीं किया। अब इसमें देखते हैं कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं, पहले वह चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म आप लोग को पता है ए की वैल्यू क्या है, टू। समझने के लिए मैं इसे फिर से ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर ले लेते हैं। तो डी कैसे फाइंड करते हैं, आगे वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को, सक्सीडिंग वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू, ए टू माइनस ए वन, फाइव बाई टू माइनस टू इक्वल टू, आता है सभी को, फाइव बाय टू माइनस टू वन बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, टू टू जा फोर, फाइव माइनस फोर वन बाय टू। एक और वैल्यू करके देखिए, क्योंकि इससे समझ में आता है क्या, एक ही इससे नहीं, जब सबका डिफरेंस सेम आएगा तब वह क्या रहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज। ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री की वैल्यू क्या है थ्री, माइनस ए टू की वैल्यू क्या है फाइव बाय टू, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस फाइव फिर से वन बाय टू, सेम आया। एक बार फिर से मतलब और कर लेते हैं आगे वाले नंबर के साथ, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर की वैल्यू सेवन बाय टू माइनस थ्री इक्वल टू, टू थ्री जा सिक्स, सेवन माइनस सिक्स फिर से अगेन वन बाय टू। यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन, वन इंटू सेवन सेवन ही रहेगा। ठीक है ना, आता है सभी को करना ही। ओके, तो अब बताइए कैसा डिफरेंस है हमारा, यस द कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम।
दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वह सेम है हमेशा। ठीक है, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं विद द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1/2। तो हमें जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब इसके नेक्स्ट थ्री टर्म। द नेक्स्ट थ्री टर्म टर्म्स आर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म तक दिया हुआ है, तो अब उसके आगे के थ्री टर्म फाइंड करना है, यानी कि ये टर्म में प्लस 1/2। ठीक है, 2 5/2 3 7/2, इसके आगे के तीन टर्म 1 2 और 3, तीन टर्म फाइंड करना है। उसके बाद फिर से हम डैश लिख सकते हैं, डैश डैश डैश। तो 7/2 में से ठीक है थ्री टर्म फाइंड करना है, तो पहला फाइंड कर देखते हैं। तो 7/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 8, 8/2 इक्वल टू 4। तो हमारा फर्स्ट टर्म के बाद का क्या मिला, 4। थ्री फाइंड करना है, तो अभी एक ही फाइंड किया, दूसरा फाइंड करते हैं। तो अभी क्या करना होता, 4 में किससे ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को, क्या आ जाएगा, यस करेक्ट 9/2। इसके बाद का टर्म मिल गया हमें 9/2। एक और टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो फिर 9/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। वेरी गुड, तो ये टर्म आ गया हमारा 10। फाइंड कर लिया हमने आगे के तीन टर्म, ठीक है, तो यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले चेक करना पड़ता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, उनका डिफरेंस फाइंड करके। अगर उनका डिफरेंस कॉमन निकलेगा हमेशा, तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज रहेंगी। और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट थ्री टर्म या नेक्स्ट फोर टर्म, टू टर्म, कितने भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता, लास्ट वाले टर्म में डिफरेंस को ऐड करते जाओ, तो आपको आगे के टर्म मिलते जाएंगे। ठीक है, आया समझ में, ओके। सो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। नाउ you can tell the definition of arithmetic progression and various terminology related to arithmetic progression. Our upcoming topic is how to determine nth term of arithmetic progression. Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.